पहले जो हुआ से हुआ खबला अगर इस कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुमीन के काम मुमीन का है और तुम पहले की तरह कुछ करे मुमीन पर लाते तो मजबूर कर दो किताब अल्लाह और होगा इतना मनो मर जाओ हम ही इसको उतारेंगे और ना लगे लगा अब ही हिफाजत करें ज़्यादा नहीं करेंगे दो दलील मेरे नसीब कुरान करीम के अल्लाह का कलाम होने की जो काफ़ी सुनवाई किए हैं कि 1400 साल गुजर गए वो एक हरफ तो दूर की बात है नुकता इधर उधर नहीं कर सकता 1400 साल हो गए। दूसरी दलील ये है कि अल्लाह का कलाम है कि कुरान करीम की एक आयत के विश्व भी जितनों अरबी पढ़ा हुआ होगा बहुत बड़ा माहिर भी होगा अरबी जुबान का फिर भी वो इसके मिस्र नहीं ला सकता है कुरान की मिस्र नहीं ला सकता है। ये दो दलील कुरान करीम के कलाम इलाही होने के लिए काफ़ी है। जब सऊदी अरब का बड़ा बड़ा आदमी पढ़ने वाला सब कुरान के मिस्र चाह के हम बना देंगे नहीं बना सकते। कुरान ने कहा अल्लाह ने तुमको आसान मालूम हो रहा है कुरान लोगों ने कहना शुरू किया कि कोई भारी किताब है नहीं उन्हें तो खाली देख रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम के दलदल से निकले का किस्सा है नूह अलैहिस्सलाम के पानी कौम में डूब गए उसका किस्सा है इसमें तो मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी का किस्सा है इसमें ईसा अलैहिस्सलाम के कौम का किस्सा है तो भारी किताब तो है अल्लाह ने कहा तुमको आसान लग रहा है तो बाजू ग्रह डर तो पूरा किया मैं बना के तुम कुरान देखा बनाना शुरू किया मुझे नहीं हुआ कुरान ने अखिल में कहा कि दस पूरा बाप दादा मिल करके जो